हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा 1996। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आपको देखना है मैंने डिक्योर कैसे मैंने अपने घर को सजाया, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने 8 मिनट का वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये वीडियो मेरी कल की क्लिप है, तो मैं यहाँ पे लाइट लगा रही हूँ और मंदिर में मतलब पहले लाइटिंग नहीं लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा नया कर देते हैं मंदिर में। पहले मैंने वाइट सीमेंट से मंदिर को, क्योंकि काला पड़ गया था ना, दीपक जलाओ तो काला हो जाता है, तो मैंने वाइट सीमेंट से पेंट कर दिया है मंदिर को। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मैं यहाँ पे सारी लाइटें लगा लूँगी, तो लाइट मेरी काफ़ी लंबी है, कम से कम 3 से 4 5 मीटर शायद है। तो मैं यहाँ पे उसको पूरे मतलब इस कमरे में भी स्विच नहीं है वाया, तो मुझे बाहर तक लेके जाना पड़ेगा इसलिए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं पूरे घर को पूरी लाइटिंग से सजा दूँ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ नया हो जाता है तो घर बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा नया होने के बाद कुछ नया नया सा फील भी होने लगता है, तो बस इसीलिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा था, 1 से 1.5 घंटे का था, तो मैंने फुल तो नहीं दिखाया इसीलिए। तो कार्ट मैंने सब में फर्स्ट ओवर लगा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो 1 घंटे का वीडियो मैंने 8 मिनट में किया है। तो मैंने यहाँ जितनी भी मेरी पेंटिंग थी उनमें मैंने ये सारी लाइटिंग लगा दी है अंदर से, और पर्दे के पीछे भी मैंने लाइटिंग कर दी है। जब मैं लाइट जलाऊँ तो पीछे से लाइट आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पहले मेरे दूसरी जगह पर लगे हुए थे, तो ये सब मेरे गत्ते के बने हुए, कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, मैंने अपने हाथों से ही बनाया था वाटर कलर से। तो मैं यहाँ पे यहाँ के रूम के मैंने बाहर लगा दिए हैं और बाहर के मैंने रूम में लगा दिया है, क्योंकि मैंने कुछ मतलब खर्चा नहीं किया है। जो भी मैंने बनाया था मैंने उसी से बस कुछ चेंज करने की कोशिश की है बस, और कुछ भी नहीं। तो मैं यही डबल टेप की हेल्प से मैं सारे यहीं पर लगा दूँगी, तो थोड़ा सा नया हो जाएगा। बस कम पड़ गई थी, नहीं तो मैं लाइट इसके पीछे भी ज़रूर लगाती तो और भी खूबसूरत मेरे बेड के पीछे का हो जाता। तो बस यही इतनी सी कमी रह गई है, बाकी बहुत सुंदर लगने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर वीडियो को, प्लीज़ इसकी मत करना। तो ये देख सकते हो, फिर मैं ये है मेरी आज की क्लिप, तो वहीं से मैंने छोड़ दिया था। तो आज मैं आई हूँ अपने मंदिर की क्लीन करने, यानी कि मैं पेपर पे डाल के और सारे भगवान को मैंने पोस दिया है और रख दूँगी। अलमारी भी मेरी आप देख रहे होंगे सब ऐसे बिखरी पड़ी हुई, तो मैंने सारे कपड़े निकाले, तह लगा के अच्छे से रख दूँगी। जो भी गर्म बच्चे होंगे अनिका की पैजामी वगैरह वो सब रख के फिर मंदिर को मैंने वहाँ से सेट करने के बाद मैं आ जाती हूँ। ज़्यादा मैंने सूट नहीं करा था, नहीं तो वीडियो जानते हो कितना लंबा हो जाता है। फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ, यहाँ से सारे कप मैं हटा दूँगी, फिर उसके बाद पेपर डालने के बाद फिर से सेट कर दूँगी। तो वही है, बहुत काम था आज, मुझे पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिली है। तो मैं यहाँ पे पेपर सेट कर दूँगी सारे के सारे, तो पेपर में डाल देती हूँ और उसके बाद मैं जितना भी रखा हुआ था सामान मैं अच्छे से फिर सेट कर दूँगी। और सेट करने के बाद मैं आपको, ये देखिए मैं पेपर सेट कर रही हूँ। मैं क्या कह रही थी ना कि मुझे ये काम करने में बहुत मज़े आते हैं, सच्ची गाइस मुझे अपने हाथ से अपने घर को सजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और शायद इस बार मैं लेट हो गई इन सब कामों से, नहीं तो मेरी या तो कोई भी फेस्टिवल होता है मेरे घर में सबसे पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई करना आज से नहीं, शादी के पहले से मैं ही करती आ रही हूँ, तो मुझे करना अच्छा लगता है। लेकिन जब से मैं यहाँ पे का यूट्यूब पे आई हूँ वीडियो बनाती हूँ, तब से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस कि मैं मतलब कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लूँ। लेकिन फिर भी आज मैंने टाइम निकाला, क्योंकि होली बहुत ही करीब आ चुकी है और मेरे घर में सारा इधर से उधर फैला पड़ा हुआ था सामान,
तो मैं आज ये सब क्लीन कर लूँगी। फिर भी मेरा थोड़ा सा काम रह गया है। मैंने धुलाई आज सोची थी कि पूरे घर को धुल दूँगी, लेकिन शाम हो गई थी तो मैंने नहीं करा, तो ये सब मॉर्निंग में कर लूँगी तो पूरा घर एकदम से साफ हो जाएगा। तो ये देख सकते हो मैंने मंदिर को सजा दिया है, तो कैसा लग रहा है मेरा मंदिर बताना। तो क्योंकि मेरे इस कमरे में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि बल्ब जो लगा हुआ है वो थोड़ी दूरी पे है तो थोड़ा अंधेरा आता है, तो इसलिए ज़्यादा सही नहीं लग रहा होगा। वो वॉल पेंटिंग है और वो भी मैंने ही बनाई थी। तो ये सारी जितनी भी पेंटिंग है सब मैंने ही बनाई है, और आप देख सकते हो पर्दे की साइड से, और इस पे सब लगा दिया था मैंने। और जो यहाँ पे मेरी प्लांट है वो भी वहीं पे भी मैंने लाइट लगा दी है, क्योंकि लाइट बहुत काफ़ी लंबी थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा घर, और मेरा तो मन यही करता है मैं सारी लाइट ऑफ कर दूँ और बस यही जलने दूँ। तो ये देख सकते हो मेरा जो मैंने साइड टेबल बनाया था वो भी मैंने रख दिया है, रखा था उसी दिन से, वहाँ पे भी मैंने लगा दिया। कितना प्यारा लगता है ना लाइट जब लग गई है उसमें, तो और भी उसका मतलब अच्छा लगने लगा है। तो आपने ये वीडियो नहीं देखा है मैंने ये स्टूल वाला, तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हो जिसको भी देखना है। तो फिर मैं चलती हूँ अपने रूम में। तो रूम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने रूम की लाइट ऑफ कर दी है तभी मुझे रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग खुद ही देख लो, ये है मेरा रूम। तो कैसा लगा ये मेरे रूम के ये स्पीच, जहाँ पे ये विंडो है वहाँ का है, तो आपको बताइए कि मेरा मैंने जो लाइट लगाई है सही से लगाई है कि नहीं। तो जो चेंज किया है आपको पसंद आया है कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो मिलते हैं, तो आप खुद ही देख लो मेरा रिएक्शन। आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताना। तो भी मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस गुड इवनिंग, मैं आई हूँ छत पे, अभी तो बस फ्री हूँ काम से, नीचे की मतलब सफाई के काम से फ्री हो गई हूँ, और अभी बस चाय पी है मैंने और बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो वीडियो को एंड करना था, तो आप लोगों से बात भी करनी थी, आज बिल्कुल भी बात नहीं करा है। तो आज की मैंने जो अपने घर को सजाया है तो कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताना, वीडियो को फुल वॉच करना। मैंने कुछ फालतू के खर्चे नहीं करे हैं, और बस जितनी भी मैंने पेंटिंग बनाई थी वही मैंने इधर से उधर कर दी है, और कुछ अलग नया लुक देने के लिए और लाइट लगा दी है। लाइटिंग से तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, कॉटन के पीछे मैंने लगा दी, और जो मेरा आंगन में गार्डन मैंने जो रखा हुआ है वहाँ पे लगा दिया है, और मंदिर का थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।